हेलो एवरीवन। तो मैम दोस्तों, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और या फिर एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या होता है एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग? तो डेफिनेटली यार, आप एग्रीकल्चर के इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ोगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ोगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब एग्रीकल्चर मशीन्स के बारे में पढ़ोगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिस्ट्री, सॉइल के बारे में पढ़ोगे, वाटर मैनेजमेंट वगैरह पढ़ोगे, साथ ही साथ आप पैकेजिंग के भी कोर्स में पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर फूड इंजीनियरिंग भी है साथ में कुछ कॉलेज में। मैंने मेनली IIT खड़गपुर में जो फूड एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, मैं उसकी बात करूंगा। तो उसमें आप लोग फूड पैकेजिंग वगैरह भी पढ़ोगे, साथ ही साथ आपको बिजनेस मतलब बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा। इसमें आप केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक हो गया, इन सभी के मिक्सर पढ़ोगे। पर इन सभी के मिक्सर मतलब एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव मतलब, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपका हर एक चीज यूज हो जाता है, तो आप वो सभी चीज आप इसमें पढ़ोगे। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सिलेबस जरूर चेक करना, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो ये कौन कौन कॉलेज में अवेलेबल है? तो ये देखो, ज्यादा कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, या मैं मेनली गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूँ। अगर आप नेशनल कॉलेज IIT NIT में देखो, तो आपको सिर्फ IIT खड़गपुर मिलेगा एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। और अगर आप और भी कुछ नेशनल कॉलेजेस हैं पर वो IIT नहीं है, वो आप आसाम यूनिवर्सिटी जैसे हो गया, वैसे कुछ कॉलेजेस हैं, और बहुत सारे स्टेट्स लेवल के जो कॉलेज हैं वहाँ भी आपको ये मिल रहे होते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं। मैं मेनली IIT खड़गपुर की बात करूँगा, क्योंकि IIT खड़गपुर ही मतलब बेस्ट कॉलेज है, और ये आप अगर करते हुए तो आपको यहीं से ही करना चाहिए। बाकी कॉलेज से अगर आप करते हो तो उससे आपके पास उससे बेहतर बहुत सारे अलग और भी ऑप्शन हो जाते हैं। इवन आप एग्रीकल्चर में फील्ड में जाते हो, फिर भी आप दूसरे कुछ इंजीनियरिंग करके भी एग्रीकल्चर में कर सकते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा अगर आपको IIT खड़गपुर में नहीं मिल रही है तो। इसलिए मैं मेनली बात करूंगा IIT खड़गपुर के एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बारे में। तो फ्यूचर के इसको क्या होंगे एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के? यार ये कोई पूछने की बात है, मतलब जब तक दुनिया में इंसान है तब तक वो खाते रहेंगे, और जब तक लोग खाते रहेंगे तब तक एग्रीकल्चर रहेगा, और दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ने वाली, कम नहीं होने वाली। जब तक कोई बड़ा मतलब बहुत बड़ा डिजास्टर ना आ जाए, या फिर कोई बहुत बड़े बड़े वार ना हो जाए और लोग एटम बॉम्ब फोड़ के लोगों को मार दे, तो डेफिनेटली यार स्कोप तो रहेंगे। जब तक दुनिया तब तक स्कोप रहेगा, इसके स्कोप कभी जाने वाला नहीं है। इस ब्रांच का फायदा आपको मिल जाता है कि ये हर एक IIT NIT में अवेलेबल नहीं है, तो आपका कॉम्पिटिशन ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको एक ही कॉलेज मिलेगा IIT खड़गपुर में, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपका क्लियर रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम अगर जॉब्स की बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियर गवर्नमेंट में थोड़े ज्यादा जॉब्स होते हैं, उसके साथ ही साथ अगर हम प्राइवेट में देखें तो प्राइवेट में आपको थोड़े जॉब्स कम हो जाते हैं यहाँ पास, क्योंकि जो मशीनरी वाले जॉब्स हो जाते हैं वहाँ पास आपको आपके मतलब कॉम्पिटिटर बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने मशीनरीज के बारे में पढ़ाई की है, वो पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियर भी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी कॉम्पिटिशन है बस मिल जाती है इस इंडस्ट्री में खासकर। और अगर आप फूड जॉब, क्योंकि ये एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर आपको जो फूड फूड प्रोसेसिंग इंजीनियर जो जॉब होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल रहे होते हैं, क्योंकि IIT खड़गपुर डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये आप IIT खड़गपुर डेफिनेटली भाई बहुत सारे कंपनीज यहाँ विजिट करते हैं, मोस्टली टेक कंपनीज, तो आप टेक कंपनीज को भी जॉब्स ले सकते हो। तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी है अगर आप IIT खड़गपुर से कर रहे हो। अगर आप बाकी और जगह से करते हो तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको सिर्फ इंटरप्रेन्योरशिप करना है तो आप डेफिनेटली आप इस फील्ड से जा सकते हो दूसरे कॉलेज से, पर अगर आपको जॉब आपके लिए मायने रखते हैं तो आपको मैं बोलूंगा सिर्फ IIT खड़गपुर में मिल रहा है तभी करो, वरना। इंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ तो यार समझो, इसीलिए ये ब्रांच मतलब एग्रीकल्चर स्टार्टअप बहुत कम होते हैं, और लोग इन्वेस्ट भी बहुत कम करते हैं एग्रीकल्चर स्टार्टअप में। तो ऊपर ये ऐसा स्टार्टअप होते हैं कि ये स्टार्टअप अच्छे खासे चलते हैं, और इसमें आप कमाई भी कर सकते हो, मेहनत थोड़ी होती है डेफिनेट, पर आप इसमें अगर स्टार्टअप करते हो तो इंटरप्रेन्योरशिप इसमें अच्छी खासी की जा सकती है। सिर्फ खाद वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, आप सब्जी उगा के बेच सकते हो। जैसे कि इसी IIT के एक इंजीनियर, उन्होंने हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर का यूज करके यार मात्र 2 एकड़ खेत में डेली के 2 लाख का सब्जी बेचते हैं डायरेक्ट। वो भाई मतलब वो कमाल का मतलब, उन्होंने उन्होंने यहाँ से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया, और साथ उसके बाद उन्होंने फॉरेन में काम किया, इसराइल की टेक्नोलॉजी वो यहाँ हाइड्रोपोनिक इंजीनियरिंग का यूज करके यहाँ पर उगा रहे हैं। वो उन USA में काम किया, इसराइल में काम किया, वहां से उनको ये आइडिया चमका और वो अब इंडिया में ये चीज कर रहे हैं। तो जैसे वो उन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप भी किया और अच्छा खासा फायदा भी कमा रहे हैं, वैसे ही आप भी कमा सकते हो। अगर मैं उसका इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को देखो और वो क्या कर रहे हैं वो आप जरूर देखना। तो इस टाइप से आप भी अगर इस ब्रांच में करते हो तो आपको यहाँ पर से बहुत सारे मतलब ऑप्शंस हो जाते हैं इंटरप्रेन्योरशिप के खासकर। तो डेफिनेटली यार अगर आपको आपके मन में कभी आते हैं कि स्टार्टअप करने है, इंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो आप इस ब्रांच में जा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप जैसे कोर्स कंप्लीट करो तुरंत लग जाओ, आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, बहुत सारी कंपनी में काम कर सकते हो जिससे आपको आइडिया चमकेगा। तो कौन सी कंपनी यहाँ पर आपको जॉब दे रही होती है? जैसे कि मैंने बोला कि मेनली आपको एयर फूड कंपनी जॉब दे रही होती है यहाँ पर, जैसे कि एग्रोटेक फूड हो गया, ITC हो गया, कैडबरी हो गया, नेस्ले हो गया, ये सब कंपनी आपको जॉब दे रही होती है। और प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार आप IIT खड़गपुर में कर रहे हो यार, तो सबसे ज्यादा कंपनी विजिट करेंगी
जॉब्स अगर आपको तब भी नहीं मिल रही है, अगर आप आईटी खड़गपुर से कर रहे हो तो या तो आप में कुछ कमी है या फिर आप प्लेसमेंट के लिए जा नहीं रहोगे, आपका कुछ और एम होगा आप उसके लिए कर रहे हो तब आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, वरना प्लेसमेंट लेना आईटी खड़गपुर में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आपको थोड़ी अपने एफर्ट उसमें डालनी पड़ेगी। तो अगर रूरल में आते हैं, अगर आपको एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करने का आपको चांस मिल रहा है आईटी खड़गपुर में, छोड़ो मत, बहुत अच्छा ब्रांच है। अगर आपको स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप करना है या फिर कुछ स्टार्टअप करने का आपके दिमाग में, डेफिनेटली कर सकते हो आईटी खड़गपुर में। जॉब्स टेंशन नहीं होगी, जॉब्स आपको मिल सकते हैं शुरुआत में। अगर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप 3-4 साल कहीं और भी एक्सपीरियंस करो, काम करो, उसके बाद आप डेफिनेटली अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। और ओवरऑल ब्रांच बहुत अच्छा है, फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और जैसे मैंने इंजीनियर जो बात बताई आपको, जिसने जो आईआईटी से एग्रीकल्चर करके जो अभी 2 लाख पर डे का सब्जी बेच रहे हैं, वहां से आप डेफिनेटली उस वीडियो को देखो और उससे आपको अच्छे खासा एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन होगा। तो इस वीडियो के बस इतने, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, लोगों तक शेयर करो यार। तो बाय बाय।